नंद किशोर गुज्जर को? नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ काम ही नहीं करवाया यहाँ। क्यों करवाता है ना वो काम? तो नंद किशोर गुज्जर का क्या है? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं है उसका, उसकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। नंद किशोर की वजह से क्या हो रहा है? नंद किशोर, ये नंद किशोर का सिस्टम ठीक नहीं है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या दिक्कत है? यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है बीजेपी से, जो RLD से ये खड़े हैं हमारे मदन भैया, और कोई इतना मजबूत है नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जावली में, ग्राम पंचायत है जावली, लोनी विधानसभा क्षेत्र का के अंतर्गत आता है, और यहां से नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं। इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ इस बार होने वाला है, यहां के क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करते हैं यहां जो ग्रामवासी हैं। आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह है जी, बलजीत सिंह। गुर्जर हैं आप ही? हाँ हाँ, बोलिए। क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला चुनाव में? भैया ठीक ही होने वाला, बीजेपी का ये है। बीजेपी का? हाँ, यही काम कर रही है बढ़िया, तो इसका इस बार भी नंद किशोर गुर्जर? हाँ, हाँ बिल्कुल नंद किशोर। और कोई और... क्या मुद्दे हैं वैसे, क्या कुछ किया है उन्होंने? उन्होंने तो बतेरा करा, बहुत कुछ करा, जो भी करवाना चाहे उसे कर दे। जैसे क्या क्या कुछ किया भैया? सभी करा, रोड दी, वैसे भी जो कुछ है लोन के बारे में सब। तो बीजेपी से खुश हैं? हाँ बीजेपी से खुश है जी, हम तो बीजेपी। समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं? ना कुछ नहीं, समाजवादी कुछ करती ना, क्यों नहीं करती? कह तो रहे हैं कि सब कुछ करेंगे। ना 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 करती भैया, पीछे अपने वो तो झूठ बोलती है, समाजवादी फ्रॉड है बिल्कुल, बुआ बबुआ इनके बस की। इस बार कौन आएगा? इस बार बीजेपी है, और हमारे यहाँ से मदन भैया है, हमारे यहाँ से मदन भैया है। तो आपके यहाँ मदन भैया, मदन भैया किससे लड़ेंगे? RLD से। RLD तो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है ना RLD का, तो हम उनके साथ नहीं, हम मदन भैया के साथ है। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ दोस्तों, मदन भैया के साथ है तो इसका मतलब बीजेपी के साथ नहीं है ना? बीजेपी के साथ है, मगर जिस टाइम मोदी जी का चुनाव आएगा उस टाइम मोदी जी के साथ रहेंगे। अभी किसको देंगे विधानसभा? अभी तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को जाएंगे जी भैया, वही तो। मदन भैया बीजेपी से थोड़ी लड़ रहे हैं? नहीं ले रहे हैं टिकट, बोल रहे हैं सुनने में आ रहा, अभी टिकट थोड़ी हुआ क्लियर। अभी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं? पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल से? हाँ लोकदल से लड़े थे पिछली बार। तो इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी? उससे लड़ेंगे, उसको उनका साथ देंगे। मोदी जी को नहीं देंगे आप? मोदी जी को मोदी के टाइम पे देंगे। मोदी को देंगे भैया। वैसे जो इस बार क्या रहने वाला, समाजवादी पार्टी आ सकती है जैसे आप कह रहे हैं मदन भैया को देंगे? हम तो मदन भैया को देंगे जी। समाजवादी पार्टी आवे ना वैसे कभी भी? नहीं जैसे आप लोग मदन भैया को देंगे ना यहाँ पे वोट, तो मान लिया एक मदन भैया जीत गया तो क्या फायदा? ये तो है ना बीजेपी। हाँ बीजेपी से बता दें, मदन भैया जो है यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल से पिछली बार चुनाव लड़े थे, जो कि 60,000 के आसपास वोट से हार गए थे ना? नहीं नहीं इतना नहीं, 10-12,000 रुपये के। तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हैं अब के, फर्स्ट नंबर पर रहने वाले हैं। अच्छा फर्स्ट पे अब के रहेंगे। अच्छा क्या लगता है समाजवादी पार्टी में क्या कमी है? ये तो जी समाजवादी वो वालों को पता है, वो हिंदू मुस्लिम वाला काम करती है। हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ भाजपा? भाजपा नहीं करती। आजम खान ने मुजफ्फरनगर में कितने दंगे कराए, उनके राज में क्या हुआ? बीजेपी की उसकी नहीं चलती, मुलायम की, मुलायम की नहीं चलती। मुलायम नहीं, अखिलेश यादव भी तो है। हाँ अखिलेश की भी ना चलती, भी देख लिया जीता के हर तरीके से, सोचा जैसे युवा युवा नेता है, जैसे युवा की तरह काम करेगा, नहीं करा उसने। मदन भैया जैसे रालोद से खड़े हुए थे, इस बार अगर आप लोग दे देंगे तो राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है? देखो हमारे यहाँ के बाहुबली नेता है, हमारे लिए तो बहुत पुराने से, उससे 20 साल से रह चुके हैं, नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं। हमारे यहाँ से पासा पलट सकता है? हाँ हमारे यहाँ से ज्यादातर मदन भैया है। मदन भैया? तो नंद किशोर गुज्जर का क्या है? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं है उसका, उसकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ। नंद किशोर की वजह से क्या हो रहा है? नंद किशोर, ये नंद किशोर का सिस्टम ठीक नहीं है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या दिक्कत है उनसे? दिक्कत तो आपको पता है लोनी क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या उसी की वजह से हो रही है खड़ी। कभी किसी की दुकान बंद कराओ, कभी किसी को लात मारो, ये कोई तरीका थोड़ी है गरीब आदमी को सता रहे। बीजेपी से ही तो है आखिर, है मगर बीजेपी भी तो नहीं चाह रही उनको, बीजेपी कहाँ से टिकट दे देगी उसको? नंद किशोर को? नंद किशोर सही आदमी नहीं है मतलब? वो नहीं है हमारे लिए सही, बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगे, नंद किशोर कैसे हैं? भैया हमारे लिए तो बीजेपी ठीक है, अब नंद किशोर हो या कोई हो, बीजेपी के पक्ष में हम। यहाँ तो सब मोदी को ही दे रहे हैं खाली, उसकी वजह से थोड़ी दे रहे हैं, नंद किशोर की वजह से।
अच्छा। यहाँ तो मोदी और योगी की वजह से दे रहे हैं, जो चुनाव में पब्लिक वोट दे रही है। बिल्कुल जी, उनकी सहायता भी कर रही है। इनको नहीं देख रहे किसको दे रहे हैं। सब गुंडागर्दी खत्म कर दी ना बीजेपी ने, रोडों पे सफाया करा हुआ बीजेपी का गुंडागर्दी। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी राज में आजम खान ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। महंगाई से त्रस्त नहीं है आप लोग? महंगाई हमें कोई फर्क नहीं है, गरीब आदमी कोई उससे नहीं है। बिल्कुल, इससे डरेगा योगी से, वो डरेगा जिसके पास पैसा है, चोर है, चक्का है। यहाँ तो मजदूर आदमी कमा खा रहे हैं अपना। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? सुनील। क्या कहेंगे इस बार चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए यहाँ पे चुनाव को लेकर? चुनाव लेकर ये मुद्दे हैं, विधायक को वोट दो मदन भैया, ये बेरोजगारी है भैया, बेरोजगारी ख़त्म करो। नंदकिशोर गुज्जर पिछली बार जीत गए थे भाजपा से, इस बार क्या माहौल बन रहा भाजपा का? भाजपा कुछ नहीं, हम विधायक को जिताएंगे मदन भैया जी को, उन्हीं को वोट देंगे। अगर जो हमें कुछ खाना पीना है, बिल्कुल भूखे बेरोजगार मर रहे हैं, तो इसलिए विधायक को वोट देकर विधायक को विजय बनाए। भाजपा कैसा रहा, भाजपा का राज किस तरीके से? भाजपा का नो मोदी को भी कुछ नो, मोदी ने भी भूखे मार दिए, भाजपा ने भूखे मार दिए, हम विधायक देंगे वोट मदन भैया। मदन भैया किससे खड़े हो रहे हैं इस बार, अभी कुछ पता नहीं है? मदन भैया खड़े किस से हो रहे हैं? लोकदल से। तो लोकदल से पिछली बार हार गए थे ना? हाँ, आपकी बार जीतेंगे। हाँ, मोम लोकदल जीतेगी। हाँ, अच्छा, क्या लगता है क्या किस वजह से राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है आपको लगता है? रिकॉर्ड अच्छा है मदन भैया जी का, इसलिए जीतेंगे। आपसे पूछते हैं भैया, रुक जाइए, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? क्या बताएं चुनाव के बारे में, इस बार का क्या माहौल है? पिछली बार जैसे भाजपा को जिता दिए यहाँ के लोग, है तो भाजपा का ही रुतबा तो भाजपा का ही है। भाजपा का क्यों रुतबा है भाई? देखो काम सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही ना किसी चीज़ के बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो समाजवादी पार्टी का नहीं है कुछ इस बार? नहीं, समाजवादी पार्टी का जो है वो है, लेकिन अपना तो रुतबा जो है वो खुल गया है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मदन भैया किससे खड़े हो रहे हैं? मदन भैया भी हो रहे हैं खड़े, ये तो पता नहीं, देखेंगे। सचिन नाम। अरे कर तो सही, सचिन नाम भाई मेरा। क्या लगता है इस बार क्या चुनाव में मुद्दे बनने वाले हैं? मुद्दा भाई जी योगी जी आएंगे बस। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट लेकिन मदन भैया का लगता है कुछ? मदन भैया जी, तो मदन भैया ही आएंगे यहाँ, मदन भाई आएंगे। मदन भैया बीजेपी से थोड़ी ना है? हाँ तो यहाँ तो मदन भैया ही आएंगे। मदन भाई देंगे। नंद किशोर गुज्जर को नहीं? नहीं नहीं, उसने कुछ काम ही नहीं करवाया ना। क्यों करवा तो ना, वो काम भाजपा से ही तो है भाई, वो काम नहीं करवा रहा ना बिल्कुल भी क्षेत्र में। कुछ नहीं कराया उसने, मदन भाई काम करवाता ना सिर्फ, और कोई नहीं करवाता। क्या मुद्दे हैं और मतलब क्या चीज़ यहाँ पे कमी? भाई मैं तो हाथ जोड़ कह रहा हूँ, इतने बहुत है, मुझे काम ही नहीं करवाता वो बिल्कुल भी। ठीक, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या कौन यहाँ पे किस तरीके से? हमारे यहाँ से तो मदन भैया को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी माहौल उन्हीं का ही है ज़्यादातर, सभी लोग जितने भी खड़े हैं भाई इधर, मदन भैया RLD और सपा का गठबंधन हो चुका है, और मदन भैया की लहर है शुरू से ही। अच्छा, क्या मुद्दा है वैसे उत्तर प्रदेश में? भाई हमारे लिए यही बेस्ट है ना। नहीं, आपके लिए तो बेस्ट है, उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश या युवाओं के क्या मुद्दे हैं आपके लिए? युवाओं की बात जो बेस्ट जो हो ना, रोजगार हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी हमें सुविधा मिलती है, और सुविधा जैसे कि बिजली का बिल और अपना और बहुत चीज़ है ज़्यादा आ रही भाजपा के कार्यकाल में। क्या रही बिजली वगैरह, बिजली बिल? हाँ वो चीज़ अलग है, वो सर प्रदेश की बात है, लेकिन हमारे लिए मदन भैया से बेस्ट और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखो जी, वैसे बीजेपी सरकार ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ से इस लोनी विधानसभा से हम ये चाहते हैं कि मदन भैया जी जीत जाएं। अच्छा, आप मफलर लगाए हुए हैं, मतलब क्या बोलने में डर लगता है कि कोई सुन लेगा? हाँ जी, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। हाँ बस ऐसी मेरे जुखाम हो रहा, कोरोना पोराना हो रहा हो आपके लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्या लगता है वैसे, क्या मतलब जो माहौल है वो जिस तरीके से बदल रहा है, कह रहे हैं अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी टक्कर में हैं, मगर आएंगे योगी जी,
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी होने चाहिए, बस हमारे लोनी विधानसभा से मदन भैया जी जीत जाएं। ये अजीब सी बात कह रहे हैं आप कि यहाँ से लोनी से मदन भैया होने चाहिए। मदन भैया आरएलडी से हैं, आरएलडी से पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी संभावित है कि आरएलडी से ही। हाँ, आरएलडी से। तो फिर ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं कि योगी जी आने चाहिए, योगी जी कैसे आएंगे जब आप यहाँ? एक में तो कोई दिक्कत नहीं आने की, एक विधायक जीत जा बस मदन भैया जी, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जी इस बार तो ऐसे ही हवा हर जगह चल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? यू उत्तर प्रदेश में जी बीजेपी चाहिए और अपने विधानसभा लोनी से मदन भैया जी। आपके यहाँ बीजेपी नहीं चाहिए, आपके यहाँ सपा चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? होगा जी, युवा हैं साथ, सब होगा मदन भैया के साथ। क्या कहेंगे आप किस बारे में? चुनाव को लेकर के क्या माहौल? चुनाव के लेकर में हम विकल्प एक मदन भैया ही, और चाहे किसी पार्टी से आओ, ना बीजेपी ना सपा ना लोकदल, पार्टी मतलब मैटर नहीं करती है। और क्या मैटर करती है यहाँ? तो मदन भैया मैटर है बस, सिर्फ मतलब व्यक्ति मैटर, व्यक्तिगत मदन भैया के साथ है सारा युवा। लोनी विधानसभा क्या मैटर करता है? यूपी बड़ी है, यूपी का हमें क्या पता, हम अपनी लोनी विधानसभा की पता है, लोनी विधानसभा में मदन भैया जीतेंगे। किसी भी पार्टी से आओ, पार्टी से मतलब नहीं हमें, हमें सिर्फ चेहरा मदन भैया। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? हमें योगी जी से मतलब ही नहीं है ना, मदन भैया से मतलब हमें तो। योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी और अखिलेश यादव की अगर बात। अरे भाई, हमें नहीं करना ना उनका, हमें तो मदन भैया चाहिए ना विधानसभा में। नीतियां तो मुख्यमंत्री के यहाँ से ही तय होंगी। अरे नीतियां सबके लिए लागू होती, हमारे लिए कोई नहीं लागू होगी का? नहीं लागू होगी। अरे जो सबके लिए लागू, हम पे बिजली का बिल जो हर जगह उत्तर प्रदेश में आएगा वही आपके यहाँ भी। अरे तो सबके लिए आएगा ना, नीतियां सिर्फ हम पे। सरकार अच्छी लगती है सरकार? हमें सरकार से मतलब नहीं, हमारी सरकार सिर्फ मदन भैया सरकार है, और कोई सरकार नहीं है। किसी भी पार्टी में जाओ, हमें उससे पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे योगी की पार्टी से हो। तो फिर ऐसे लोग कहेंगे आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं बस, और कोई मतलब ही नहीं है आपका, आप हम आदमी तो है नहीं। हम स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले हैं, हमें पार्टी से क्या मतलब? हम पढ़े लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी मेहनत पर जाएंगे जाएंगे। और यहाँ की बात करोगे तो यहाँ सिर्फ मदन भैया है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से क्या लेंगे, हम यहाँ लोनी तक घूमने वाले बच्चे हैं। आप अगर युवा हैं तो आपको पता है बेरोजगारी कैसे मिटेगी, ये सिर्फ मदन भैया मिटेगी। हम पढ़ लिख रहे हैं ना, बेरोजगारी के लिए तो पढ़ रहे हैं हम, तो मदन भैया मिटा देंगे बेरोजगारी से? अरे हमें मतलब नहीं है ना, हमें तो यहाँ लोनी विधानसभा से मतलब है। वैकेंसी जो निकलेगी वो क्या यहीं पे सिर्फ निकलेगी वैकेंसी? अरे वैकेंसी तो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। कौन सही है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रदेश के लिए इतना, प्रदेश के लिए तो फिलहाल योगी है, बाकी जो आएगा उसके लिए। योगी जी क्या रोजगार दे रहे हैं वही तो मैं दे रहे हैं रोजगार हमारे तो यूपी, हमें यूपी दिल्ली से मतलब नहीं है, हमारे तो जहाँ भी भर्ती निकलती है ना बच्चे वहाँ सेट हो जाते हैं। चलिए आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जी देखो, पार्टी किसी की हो, मदन भैया मतलब किसी भी पार्टी से हो, आएंगे मदन भैया ही हमारे यहाँ। जो है कोई सपा हो, आरएलडी हो, मतलब इन दोनों का गठबंधन हो चुका फिलहाल, और इनसे ही मदन भैया नहीं आ जाएंगे फिर उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरीके से रहा तो? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बेरोजगारी तो अभी यूपी में हवा चेंज हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल, टक्कर मिलेगी। जो है बेरोजगारी ज़्यादा है यूपी में, देख लो कितने बेरोजगार खड़े यहाँ पे, रोजगार की तो सारा खेल। गुर्जर जी जो थे नंद किशोर, उनका क्या हाल है, क्या उन्होंने क्या कराया? उनकी दबंगे तो चर्चा आपने सुने ही होंगे। खैर उन्होंने तो बहुत तकड़ा विकास कराया है लोनी के अंदर। लोनी चमका दी, कहीं गड्ढे नहीं है, लाइट वाइट हर तरीके से ओके। तो फिर क्या दिक्कत आ गई फिर मदन भैया क्यों दे रहे हैं? अरे हमारा घर का है, हम अपने घर को ना देंगे क्या, गाँव का है तो घर का ही हो गया ना। तो नंद किशोर को क्यों नहीं फिर? क्यों? अरे एक बार देख लिया फिर अपने भैया को ले ले। यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है बीजेपी से, जो आरएलडी से ये खड़े हैं हमारे मदन भैया, और कोई इतना मजबूत है नहीं। ग्राम पंचायत जावली है जहाँ पर लोग मदन भैया का नाम ले रहे हैं। मदन भैया आरएलडी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और वो नंद किशोर गुज्जर के आगे हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा यहाँ पे रुख है कि इस बार बीजेपी के नंद किशोर गुज्जर से ज़्यादातर लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि हो सकता है इस बार चुनाव में यहाँ से बीजेपी हार जाए और जो सपा आरएलडी का गठबंधन है वो जीत सकता है। फिलहाल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ जावली से लोनी विधानसभा क्षेत्र से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।